एसीएन न्यूज़ के सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं गणेश अग्रवाल और आप देख रहे हैं दमोह जिले की खबरें। दमोह जिले के पटेरा विकासखंड के अंतर्गत आने वाले उपस्वास्थ्य केंद्रों में प्रतिदिन ताले नजर आ रहे हैं। यह हाल पटेरा विकासखंड के उपस्वास्थ्य केंद्र सलैया का है, जहां पर सुविधाओं हेतु लाखों की लागत तो लगा दी गई, लेकिन वहाँ पदस्थ कर्मचारियों की मनमर्जी जारी है। ऐसे में यहाँ पर आने वाले लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। हम जानते हैं इस स्वास्थ्य केंद्र में आए लोगों से किस तरह की समस्याओं से वे जूझ रहे हैं। एसीएन न्यूज के लिए संजय शुक्ला की रिपोर्ट। आप लोग यहीं के नहीं है? हमारा तो मकान ही भर रहते हैं हम। जय वाला। तो ये जो आपके सामने अस्पताल है रोज खुलती है? हफ्ते में एक दो दिन खुलती है बस। एक दो दिन बस। क्या नाम है आपका? माधव वर्मा। और भैया आपका? यहीं रहते हैं आप लोग? रोज नहीं खुलती? रोज नहीं खुलती, हफ्ते में एक दो दिन। हफ्ते में एक दो, एक दो दिन या दो या तीन, बस इससे ज्यादा नहीं। कितने कर्मचारी आते हैं यहां पे? एक डॉक्टर साहब कर जाते हैं। हफ्ता में आ जात, कम कहो दो हफ्ता लग जाए। क्या नाम है आपका? मनसुखा। कहाँ रहते हैं आप? जो घर है। कौन सा गांव है ये? सलैया। तो ये हॉस्पिटल रोज खुलता है? नहीं खुलता। नहीं खुलता ही। हफ्ते में कितने दिन खुलता है? कभी कभी हफ्ता में खुल जाना तो अंतर भी लग जाता। अच्छा, कल आई थी मैडम? कल आई थी। याद नहीं आई? नहीं। इसके पहले कब आई थी? हम व्यापार में लगे रहे, महीना के हमने देख हुआ। यह है सरदार पटेल ओवरब्रिज, जो रात के वक्त अंधकार में डूब जाता है। सरकार से हमारी, इसे रोशन किया जाए, यही हमारा मुद्दा है।